देखो भाइयों, मैं तो आपको ब्रह्मचर्य नाश के नुकसान बताता रहता हूं। देखो आप एक बार इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को देखो आप एक बार। तीन खुराक दवा थी, आप आराम लग जाएगा। जब आराम नहीं लगा तब मैंने लड़की को जोर बस पूछा कि क्या समस्या है। तब उसने हमको रियल समस्या बता कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जिस कारण वो गायनों को दिखाया तो गायनों ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो, इस तरह से इसकी बॉडी पूरी उसी से इन्फेक्शन फैल गया पूरा। क्या आपने थाने में वहां तहरीर देख लेना मेरे भाई। ये जो माता जी है ये देखो क्या बता रही है। अभी हाल फिलहाल में ब्रह्मचर्य नाश का इतना भयंकर दुष्परिणाम देखने को आ रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो विवाह के बाद जिसको हम पहली रात्रि बोलते हैं, स्वागरा जिसको बोलते हैं, उस दिन अगर ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, देखो आपको आप इसको सीधे तरीके समझिए, अगर आप ब्रह्मचर्य की रक्षा करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के टोनिक की कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने पहले ब्रह्मचर्य नाश किया है और भारी मात्रा में किया है तो आपको पहली रात्रि के दिन या जब भी आप संबंध बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई? नकली दवाई की जो आपकी नकली ताकत बढ़ाए, है ना, लंबा आपको समय दे, नकली चीजें। तो नकली चीजें जब आप खाओगे तो उससे क्या होगा आपको? आपको तो हानि होनी होनी है मेरे भाई। साथ में जो आपकी साथ पत्नी है आपको उनको दिक्कत हो जाएगी, और हो गई, जो इनकी पत्नी थी वो एक्सपायर हो गई, बड़े दुख की बात है। जो ये दवाइयां बनाती है कंपनियां उन पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा आम जीवन पे, जो आम लोग हैं उन पर फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य नाश मत करो, आपको ये बड़ा दुख देगा, दर्द देगा। आप सोच रहे हो ना कि ये जो मैं मजा ले रहा हूं एक दो मिनट का, ये सिर्फ आपकी एक दो मिनट की मजा सजा बन जाएगी भाई। एक दो मिनट की मजा ना ये सजा बन जाएगी। आप इससे बचो और ब्रह्मचर्य रक्षा करो, अपने वीर की रक्षा करो। ये जो समाज में घटनाएं देखने को मिल रही है ना मेरे भाई, इससे आपको संदेश मिलता है कि आप अपना ब्रह्मचर्य नाश मत करें, ब्रह्मचर्य नाश मत करें, नहीं तो बड़ा ही दुख मिलेगा मेरे भाई। ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भविष्य में ऐसी घटना ना करें और अपने जीवन को बर्बाद ना करें।